हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी कोई एक डीजल कार है या आप कोई सेकेंड हैंड कार परचेस करने की सोच रहे हो, सो ऐसे कंडीशन में अगर आपको वो कार के इंजेक्टर्स चेक करने हैं, सो उसके लिए क्या एक छोटी सी ट्रिक है वो मैं आज बताने वाला हूँ आपको। बेसिकली जब आप कार ऑन करते हो, सो कार ऑन करने के बाद में आपको, यानी कि इंजन ऑन करने के बाद में, ये जो RPM की जो नीडल है उसे चेक करना है। और ये कोल्ड स्टार्ट होनी चाहिए, ये सुबह सुबह ही आपको पता चलेगा। सो अभी मैं ये जो कार है ये स्टार्ट करता हूँ। सो अभी ये जो नीडल है RPM की, सिर्फ उसे हमें देखना है। ये देखिए, अभी ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही थी, अभी नॉर्मल कंडीशन में आ गई है। यानी कि मेरे कार के जो इंजेक्टर्स है वो खराब नहीं है, वो अच्छे, लेकिन उसे थोड़ी सी, यानी कि जो चार इंजेक्टर्स है उसमें से एक या दो इंजेक्टर की सर्विसिंग करने की अभी बारी आ चुकी है। सो ऐसे कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि जो RPM की जो नीडल है उससे आपको पता चल जाएगा कि जो सर्विस है इंजेक्टर की अभी करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। और अगर आपके कार के इंजेक्टर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, सो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, कार ऑन तो हो जाएगी, लेकिन कार ऑन होने के बाद में जो कार है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और फिर बाद में आपको हार्ड एक्सेलरेशन करना पड़ेगा। और इसके बाद में एक और एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है। यहाँ पे देखिए, अभी आपको इतना पता चल रहा है, मुझे पता नहीं है, अगर आप मिरर में देखोगे तो यहाँ पे एक वाइट कलर का स्मोक भी निकलती है सुबह सुबह। अगर कार के अंदर, अगर इंजेक्टर के अंदर इश्यू होता है तो ऐसे कंडीशन में स्मोक भी निकलती है। अभी ये थोड़ा सा स्मोक निकल रही थी ये कार, अभी तो नहीं है। मेरे कार के जो इंजेक्टर्स है वो परफेक्ट है। इसके बाद में एक और एक ट्रिक है, उससे आपको पता चल जाएगा। वो ट्रिक ऐसी है, अगर आपकी टॉप एंड वेरिएंट है, सो टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको ये जो किलोमीटर पर लीटर का जो आपको ये इंडिकेशन मिल रहा है, सो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अगर कार के इंजेक्टर्स खराब है, सो 8 to 10 किलोमीटर के ऊपर आपको कार एवरेज दिखाती नहीं है। मैक्स टू मैक्स 11 किलोमीटर, 11 के ऊपर आपको एवरेज दिखाती नहीं है। सो ऐसे कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि ये जो कार है इसके इंजेक्टर्स में इश्यू है। अगर कार के इंजेक्टर्स परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, सो सिटी के अंदर, अभी जैसे कि ये 1.6 लीटर डीजल वेंटो है, आपको ऐसे कंडीशन के अंदर सिटी के अंदर भी ये कार जो है ये 14 to 16 दिखाना ही चाहिए। अगर वो नहीं दिखाती है, वो 9, 10, 11 ऐसा दिखाती है, हाईवे के ऊपर 12 के ऊपर जाती नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि वो कार के जो इंजेक्टर से उसमें से ठीक से डीजल का फ्लो हो नहीं रहा है, और डीजल का फ्लो हो नहीं रहा है उसकी वजह से ECU जो है वो ठीक से कैलकुलेशन कर नहीं पा रहा है। एक सिंपल सी टेक्निक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी इंजेक्टर से रिलेटेड। अगर वीडियो लगता है यूज़फुल तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ लीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो बाय फ्रेंड्स।